अगर आप इन शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें, इंशाल्लाह एक से दूसरा दिन नहीं गुजरेगा उससे पहले आपका काम होगा। एक जगह मुकरर कर ले और वक्त भी एक मुकरर कर ले। मैं कहता हूं कि एक दिन आप करेंगे, दूसरे दिन आप इसका असर देख लेंगे इंशाल्लाह। सलाम हो उन आंखों पर जो बेदार रहती हैं, सलाम हो उन आंखों पर जो बहती रहती हैं, सलाम हो कतरा कतरा बनकर गिरने वाले आंसुओं पर, सलाम हो सोख्ता दिलों से निकलने वाली आहों पर। इलाही हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिनके रोज़े और नमाज़ें तूने कबूल फरमाई हैं और जिनकी बुराइयों को तूने नेकियों से बदल दिया और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाया और उनके मरातब बुलंद फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है जो कि किसी को मोहब्बत में दीवाना करने का एक वजीफ़ा है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि इस वजीफ़े को जायज़ मकसद के लिए करें कि नाजायज़ मकसद के लिए इस वजीफ़े को ना करें। जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौला करीम फ़ज़ल फरमाएगा। जायज़ मकसद का मतलब यह है कि अगर बीवी रूठी हुई है या फिर बीवी से मियाँ रूठा हुआ है या बहन भाई आपस में रूठे हुए हैं या माँ बाप रूठे हुए हैं या इस तरह का कोई और करीबी रिश्ता कि जो रूठा हुआ है आप उसको मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मानता नहीं है। आज का ये वजीफा जो मैं बता रहा हूं आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो शरायत मैं बताऊंगा आप इन शरायत के साथ करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर हाल में कामयाबी हासिल होगी। सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तैयबा और 11 मरतबा दुरूद पाक यह अशद जरूरी है। और दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें। दोस्तों जिंदगी 4 दिन की है यार, गुजर जाएगी, आज है कल नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिंदगी सिर्फ 3 सांस का नाम है, एक ले लिया है दूसरा ले रहे हैं, तीसरे का पता भी नहीं ले सकते या नहीं ले सकते। तो इतनी मुख्तसर जिंदगी में फिर जनाब अली इतनी लंबी उम्मीदें और नमाज के करीब ना आना, तौबा ना करना, रब के करीब ना जाना, रब की बारगाह में ना झुकना। दोस्तों ये गरूर कहां का है, मिट जाएगा, कुछ नहीं है इस दुनिया में। कोशिश करें, हदीस पाक में आता है कि अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। अपने गुनाहों से ऐसी पुख्ता तौबा करें जिसे तौबा तो नसुआ कहा जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब इंसान की तौबा कबूल होती है तो मौला करीम की बारगाह में उसकी हर आरजू हर दुआ कबूल हो जाती है। कोशिश फरमाए कि पुख्ता तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आजम करें। और तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत की लाजमी करें। हदीस पाक में आता है कि कुरान के हर हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ करता है, 10 दरजात बुलंद करता है। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगे दुआ कबूल होती है। हदीस पाक में आता है कि 5 औकात ऐसे हैं कि जिनमें हर दुआ इंसान की रब की बारगाह में कबूल होती है। एक अजान सुनने के बाद, अजान जब पढ़ी जाए तो चुप करके अजान का जवाब दिया जाए, उसके बाद जो अजान मिल जाए फिर उसके बाद जो भी तुम दुआ मांगोगे दुआ कबूल होगी। दूसरे नंबर पे सुबह तहज्जुद के टाइम जब मुर्गा अजान देता है उस वक्त जो भी दुआ मांगो दुआ कबूल होती है। तीसरा, जब नमाज आप पढ़ते हैं तो नमाज के जो फर्ज होते हैं फर्ज नमाज पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगो दुआ कबूल होती है। और चौथा,
जुम्मे वाले दिन दो खुतबों के दरमियान जो भी दुआ मांगो दुआ कबूल होती है। और पांचवा, कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगे दुआ कबूल होती है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी करम नवाजी फरमाई है कि इतने जनाब अली मौके दिए हमें अपनी रहमत लूटने के। हम दूर दूर भागते हैं और दुनिया को तलाश करने की कोशिश करते हैं। कोशिश फरमाए, रोजाना की बिना पे कम अज कम दो रकू कुरान पाक की तिलावत की लाजमी करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंतहा दर्जे का आप फायदा पाएंगे इंशाअल्लाह। और चौथी शर्त यह है कि अपने करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, वालदैन, अपनों में से जो रूठा हुआ है उनको मनाने की कोशिश करें। हदीस पाक में आता है कि जो अपनों से ज्यादा देर नहीं बोलता मौला करीम उसकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाता। कोशिश फरमाएं। और पांचवी शर्त यह है कि हर वक्त बावजूद रहें। और छठी शर्त यह है कि चलते फिरते उठते बैठते दुरूद इब्राहिमी पढ़ते पढ़ते रहें। और फिर जब आप इस इन शरायत के साथ आप इस वजीफे को करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आप इन शरायत के साथ आप इस वजीफे को करें इंशाल्लाह एक से दूसरा दिन नहीं गुजरेगा उससे पहले आपका काम होगा इंशाल्लाह। और वजीफा क्या है कि सबसे पहले एक जगह मुकर्रर कर लें और वक्त भी एक मुकर्रर कर लें। जगह एक मुकर्रर करें, वक्त भी एक मुकर्रर करें। वक्त एक मुकर्रर करके फिर नाम के आदाद निकाल कर पहले रखें, उसके नाम के आदाद और अपने नाम के आदाद। आप जिसको जनाब अली चाहते हैं कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत बैठ जाए उसके नाम के आदाद निकालें और अपने नाम के आदाद भी निकालें। दोनों के नाम के आदाद निकाल कर जमा करके उनको सामने रखें। आदाद निकालने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद मिलेगा। उसके आदाद निकाल कर जब जमा कर लें, जमा करने के बाद फिर उस तादाद के मुताबिक आपने इस वजीफे को करना है। कद शगफा हुब्बन या वदूदो या जामियो, कद शगफा हुब्बन या वदूदो या जामियो, कद शगफा हुब्बन या वदूदो या जामियो, सिर्फ इतना लफ्ज पढ़ना इंशाअल्लाहुल अजीज इंशाअल्लाहुल अजीज इंशाअल्लाहुल अजीज। मैं कहता हूं कि एक दिन आप करेंगे दूसरे दिन आप इसका असर देख लेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमा।